आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का नया चैंपियन न्यूजीलैंड बन गया है। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, इतिहास रच दिया। पहली बार उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई है। और मजे की बात यह है कि साउथ अफ्रीका की टीम देखिए एक बार फिर से चौकर साबित हुई है। और ये टीम चौकर का टैग लगा हुआ है इस टीम पर, इसीलिए लगा है क्योंकि आज भी देखें 159 का टारगेट था और 51 विदाउट लॉस थी टीम, और वहां से तो ये मैच जीतना चाहिए था लेकिन 51 विदाउट लॉस 126/9 ये हाल रहा था। और 32 रनों से यहां पर जीत हासिल हुई है न्यूजीलैंड की टीम को। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए जो अमेलिया केर के सामने अफ्रीका ढेर हो गई, बिकॉज उन्होंने बैटिंग में भी 33 रन बना दिए और जब गेंदबाजी का मौका आया तो वहां पर भी उन्होंने 3 विकेट चटकाए 4 ओवर में। सो आई थिंक कहीं ना कहीं अमेलिया केर इस मैच की हीरो रही है। लेकिन साउथ अफ्रीका का क्या किया जाए भाई, साउथ अफ्रीका पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया खिलाफ फाइनल खेली थी और हार गई थी, और न्यूजीलैंड की टीम देखिए तीसरी बार फाइनल खेलने पहुंची और पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, 2009 में फाइनल पहुंचे, 2010 में पहुंचे, अब 2024 में जाकर कम से कभी ट्रॉफी जरूर आई घर। और मजा आता है इस टीम को देखकर, बिकॉज इस टीम की अगर आप ग्राउंड फील्डिंग देखेंगे इस पूरे टूर्नामेंट में बड़ी कमाल की रही है, उमदा आउटस्टैंडिंग इन्होंने फील्डिंग की है और कितने सारे इन्होंने कैचेज पकड़े हैं ग्राउंड फील्डिंग में। अगर आप देखें रनआउट्स इन्होंने बहुत सारे किए थे, इंडिया के खिलाफ भी जब मैच था तो वहां पर भी इन्होंने रनआउट किए थे, 3 रनआउट इनफैक्ट उस मैच में किए थे, और आज भी बड़ी कमाल की इन्होंने यहां पर खेल दिखाया। और खासकर अमेलिया केर की हम बात कर रहे थे, ये देखिए आप ग्राफिक्स के जरिए देख भी रहे कि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और फिर बॉलिंग का मौका आया तो गेंदबाजी में भी इन्होंने 3 विकेट चटकाए। इस मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और उसके बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड की टीम की बैटिंग आई। और न्यूजीलैंड के लिए अगर देखें तो वहां पर अमेलिया केर ने 43 बना दिए 38 बॉल्स में, 4 चौके लगाए, सोफी डिवाइन कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, 6 बनाकर आउट हो गई और कुल मिलाकर 158 बनाए थे इन्होंने 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम जब बैटिंग करने आई तो साउथ अफ्रीका के लिए लॉरा ने 33 जरूर बनाए, इसके अलावा एनके बॉस 9 रन बनाकर जल्दी आउट हो गई और एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया। इसके अलावा अगर देखें तो कोई भी बल्लेबाज लंबी इनिंग नहीं खेल पाया, एक के बाद एक विकेट्स गिरते रहे। और यहां पर अगर देखें रोजमेरी मेयर जिन्होंने हर मैच में विकेट चटकाए हैं, आज भी देखें 4 ओवर में 25 रन दिए, 3 विकेट चटकाए, एडन कार्सन ने 4 ओवर 22 रन देकर 1 विकेट चटकाया और अमेलिया केर ने देखिए 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट चटकाए। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम ने डोमिनेंस दिखा है, न्यूजीलैंड की टीम का न्यूजीलैंड ने कमाल कर दिया और यह जीत बहुत बड़ी जीत है न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि यह टीम भाई जिस तरीके से खेली है कमाल ही किया है। और यहां पर निराशा हाथ लगी साउथ अफ्रीका की टीम को और उनका सपना टूट गया न्यूजीलैंड की जीत में। अमेलिया केर ने शानदार भूमिका निभाई है और लगातार दूसरा फाइनल हारी है साउथ अफ्रीका की टीम। और मजे की बात यह है कि न्यूजीलैंड के लिए भाई कई सारे इसमें मैच विनर रहे होंगे, लेकिन न्यूजीलैंड ने आपको बता दें कि जिस तरह क्रिकेट यहां खेला है भाई कमाल ही किया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया देखिए 6 बार की चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंग्लैंड बनी थी और आपको बता दें कि पहली बार यहाँ पर न्यूजीलैंड ने यह खिताब जीता है। और न्यूजीलैंड याद आता 2000 में उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप जीता था इस टीम ने, अब इस टीम ने यहाँ पर टी20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर लिया है और साउथ अफ्रीका को हरा दिया। और साउथ अफ्रीका सपना था कि हम जीतेंगे, पिछली बार भी वो सपना अधूरा रह गया और इस बार भी न्यूजीलैंड ने एक तरफा अंदाज में आप कह सकते 32 रन टी20 फॉर्मेट में बहुत होते हैं। और आज देखिए अमेलिया केर की खुशी आप देखिए कमाल की, उन्होंने गेंदबाजी की, बैटिंग की, 43 बनाए और उसके बाद 3 विकेट भी चटकाए और ये इस टीम की हीरो है। और इसीलिए उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम ने देखिए वुमेन्स ने भी यहाँ टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया और मेन्स में भी भाई न्यूजीलैंड हमेशा इंडिया को तंग करता है, लेकिन न्यूजीलैंड को ये मुबारकबाद। और प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।